टीम का ऐलान किया गया है, उसमें वीरेंद्र सहवाग को जगह नहीं दी गई है। आपको बता दें 2011 से अब तक अगर वीरेंद्र सहवाग के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो 18 टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 916 रन दिए हैं, जिनमें एक शतक शामिल है, यानी कि 18 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और सिर्फ एक शतक लगाए हैं। इसी वजह से, उनके खराब फॉर्म की वजह से, खराब प्रदर्शन की वजह से पहले से माना जा रहा था कि वीरेंद्र सहवाग को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और आखिरकार वही हुआ। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले से लगभग ये तय माना जा रहा था और शायद अगर सहवाग को टीम में जगह दी जाती तब सवाल उठते कि वीरेंद्र सहवाग को खराब फॉर्म के बावजूद भी टीम में शामिल क्यों किया गया है, क्या एक बेहतर निर्णय है ये? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मुझे लग रहा है सही फैसला है, क्योंकि आपको दक्षिण अफ्रीका अगला दौरा करना है और आपको कुछ ऐसे बल्लेबाज चाहिए जिनको आप टेस्ट कर सकें, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम के पास इस दो टेस्ट मैच के अलावा कोई ऐसा मौका था जहां पे आप 5 दिवसीय क्रिकेट के लिए अपने ओपनर्स को तलाशें। तो मुझे लग रहा है अगर दूरदर्शिता की बात करें सिलेक्टर्स की तो सही फैसला है। सहवाग के पास एक्सपीरियंस है, उनको कभी भी वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टर को शायद उनसे बात करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें जैसा कि सचिन ने किया और भी तमाम सीनियर खिलाड़ी करते आए हैं, कि अगर आप फॉर्म में नहीं है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और वहाँ अच्छा करके वापस आए, क्योंकि सहवाग के पास अभी भी मुझे लगता है 3-4 साल क्रिकेट और है भारतीय क्रिकेट को वो दे सकते हैं, और अब सब कुछ निर्भर सहवाग पे करेगा। सिलेक्टर्स ने अपना काम कर दिया, उन्होंने टीम से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया है और संदेश भी दे दिया कि आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी टीम में आपकी जगह बनती है। चेन्नई और हैदराबाद में अगर वीरेंद्र सहवाग की 3 पारियों में ओपनिंग पर हम नजर डालें राजीव, तो सिर्फ 2 19 और 6 रन बनाए हैं, जबकि वहीं ओपनर मुरली विजय ने हैदराबाद में शानदार प्रदर्शन करते हुए 167 रन बनाए थे। तो ये माना जा सकता है कि अब दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए और चूंकि अभी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं तो वो बाहर बैठकर अपने परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करें और ताकि जो खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में है, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाए। इस वजह से तमाम दूसरे भी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो भी सहवाग की फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। देखिए चित्रा, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम सहवाग को बाहर ही कर दिए गए तो मौका निश्चित रूप से किसी यंगस्टर को मिलेगा, वो चाहे अजय किराने को मिले या शिखर धवन को, क्योंकि अब देखिए स्क्वाड भी छोटा किया गया, पहले 15 सदस्य होते थे अब 14 मेंबर्स रह गए टीम में, तो निश्चित रूप से अजय किराने या शिखर धवन में से किसी एक को मौका मिलेगा। रही बात प्रदर्शन की, मुझे लग रहा है थोड़ी सी किस्मत भी वीरेंद्र सहवाग के साथ नहीं था। अगर आप पहला टेस्ट मैच याद करें चित्रा, बैट से बॉल लग के विकेट पे चला गया, आउट हुए। सेकेंड टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो एक बार फिर आपको याद होगा उस टेस्ट मैच की सबसे बेहतरीन बॉल थी जो पीटर शिडल की, जिस पर वीरेंद्र सहवाग आउट हुए। तो थोड़ी सी किस्मत, थोड़ा सा फॉर्म और थोड़ी सी उनकी मुझे लग रहा है फिटनेस, जिस तरह से उनको नजरों का चश्मा लगा, तो ये सारी चीजें वीरेंद्र सहवाग के अगेंस्ट में जा रही थी और नतीजा अब आपके सामने है कि एक ऐसा बैट्समैन जो एक समय में अगर 2008 से 2010 के आप रिकॉर्ड देखें तो वीरेंद्र सहवाग मैच विनर हुआ करते थे, उनकी पारियां भारतीय टीम को एक तरफा मैच जिताया करते थे, लेकिन अब समय के साथ बदलाव देखने को मिला है। वक्त के साथ परिवर्तन बेहद जरूरी हो जाता है और जब अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हो ऐसे में एक सही फैसला इसको माना जा रहा है। राजीव, आपसे हम बातचीत करेंगे लेकिन इस वक्त रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से अनुराग हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग, पिछले 11 टेस्ट मैचों में 532 रन सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं और शायद यही वजह है कि लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो फॉर्म में वापसी कब करेंगे, क्या इस निर्णय को एक सही फैसला माना जाए?